Hello friends, welcome to you and me. Today we are going to start the next chapter, that is Article of Association. Before this chapter, we have learned that what is Memorandum of Association, what is the various content of Memorandum of Association, and what are the various clauses, how we can alter that Memorandum of Association. So today we are going to discuss the Article of Association. Now, what is Article of Association? Like Memorandum of Association tells us about the basic objective, that why a company is framed out. In the same way, Article of Association is constructed to manage the internal rules and regulation. जैसे सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका मेन पर्पस क्या है? लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना. लेकिन वो क्या हो गया? उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया. अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉलेज के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. लाइक जैसे आप लोग जब भी उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, आपकी क्लासेस जो है वो 9 बजे शुरू होंगी, आपका जो टाइम पीरियड है वो 4:30 पर खत्म होगा. इन द सेम वे कोई भी टीचर है, उसको 8:30 बजे रिपोर्ट करना है कॉलेज में, दे हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म, उसके इस टाइम पर ये क्लासेस होंगी, इसके लिए आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. सो दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो इन द सेम वे किसी भी कंपनी में हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं? उसका ऑब्जेक्टिव, कि वो क्यों बनाई गई. उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉर्म्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर, जो किसी भी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है. जैसे जो मेमोरेंडम है वो उसके फंडामेंटल कंडीशंस के बारे में बताता है, इसी तरह से जो आर्टिकल है वो उसके इंटरनल रेगुलेशंस के बारे में हमें बताता है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट. कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो जैसा बनाया गया था या टाइम टू टाइम हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और इस अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है एक्चुअली में वो क्या है? एक सपोर्टिंग, वी कैन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसका सब्सिडरी पार्ट है. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह रहा है उसी को पूरा करने के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्सिडरी, वी कैन से सब्सिडरी डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, सो एक्सेप्टिंग इट्स आर्टिकल प्रोसीड टू द डिफाइंड ड्यूटीज राइट्स पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडीज एट बिटवीन देमसेल्फ एंड द कंपनी. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या बताता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. जो आर्टिकल है वो डिफरेंट मेंबर्स को, डिफरेंट जो उसके वर्कर्स है, जो भी उसको प्रोसीड कर रहा है, उसकी राइट्स, उसकी पावर, उसकी ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करता है. द मोड एंड फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड आउट, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी, हमारी क्या प्लानिंग होगी, हमारी क्या वी कैन से लेटर होगी, जिसके थ्रू हम अपने उस मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया है उसको अचीव करेंगे. द मोड एंड फॉर्म इन विच द चेंजेस इन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी मेड. अगर हमें किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है, तो वो मॉडिफिकेशन हम कैसे लेके आएंगे, ये भी किस पे डिस्कस किया जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किया जाता है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और वी कैन से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो मेमोरेंडम है वो क्या बताता है हमें? ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे, वो कौन बताता है? वो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली. जैसे हमारे लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी है, इसीलिए इसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जो है वो एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ
फर्म। तो ये हमें जिस तरह से हमें कंपनीज एक्ट में बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें ये बनाना जरूरी होता है। इट रेगुलेट्स द डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी में लोग होते हैं वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, वो कैसे बिहेव करेंगे, उनकी क्या राइट्स रहेंगे, उनकी क्या पावर्स रहेंगी, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगी, इसके बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इनफेक्ट बाय लॉज ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लॉज हैं जो कि एक डायरेक्टर जो है, जो ऑफिसर है, जो कि वहां की मैनेजमेंट है, जो उनको फॉलो करके अपने मेन ऑब्जेक्टिव को क्या करेगी, अचीव करेगी। दैट मींस एवरी पर्सन ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज अ डायरेक्टर, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ ऑफिसर, दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर कोई रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, जैसे हम लोग हैं, हम पब्लिक हैं, तो हम भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हम ट्रैफिक के नियम पालन करते हैं, हम इसी तरह से किसी को मारते नहीं हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ने हमें रूल्स बता रखे हैं हम उनको फॉलो करते हैं ताकि ये सोसाइटी जो है वो अच्छी तरह से चल सके। इसी तरह से हर कंपनी जो है उसको चलाने के लिए भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है, हमें साइन करना पड़ता है कि ये काम आपने ऐसे करना है, आपकी ये ड्यूटीज है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सभी कुछ किसके द्वारा होता है? ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा होता है। Now, what are the various content and model of Article of Association? So, Section 5 of Companies Act 2013, following the main content, contain regulation. The article of company shall contain the regulation for management of the company. कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो किसमें होंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए जाएंगे। Inculcation of matter. The article shall also contain such matter as prescribed under the rules. However, company may also include such additional matter in its article as be considered necessary for its management. अब जो तो हमें Companies Act 2013 में बताया गया है कि एक आर्टिकल में ये होना चाहिए, वो सारा तो उसमें होगा ही होगा। इसके अलावा कंपनी को कुछ ऐसा लगता है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि किसी भी काम के लिए हमें आगे जाके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरह के मैटर्स के बारे में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंसीडर किए जा सकते हैं। कंटेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में अगर हमें लगता है कि किसी चीज को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैटर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ मीटिंग, बाय ऑर्डिनरी मीटिंग, किसी भी तरह से जो भी हम उस मैटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए, उस मैटर के लिए भी हम उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लेंगे कि अगर इन फ्यूचर हमें इस मैटर के ऊपर कोई भी सोच विचार करना पड़ गया, हमें अपने आर्टिकल को चेंज करना पड़ गया, तो हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, हम एक परमिशन लेना पड़ेगा, अगर वो परमिशन मिल जाती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो मैनर ऑफ इनकर्शन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस का मतलब है कि किस तरह से हम उस इंट्रेंचमेंट को, उस चीज को ठीक करेंगे, तो उसका मैनर भी हमने क्या करना है, प्रिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो वो मैटर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो क्या हो सकता है, कोई भी फ्यूचर मैटर हम वो इंक्लूड करके रख सकते हैं, उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो भी हमें किसमें मेंशन करना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम इंट्रेंचमेंट करते हैं, जो भी हम चेंजेस करते हैं, जिस भी चीज को हमने मतलब के प्रोटेक्ट करना है इन फ्यूचर, उसके लिए हमें ये जरूरी है हम उसमें पहले से ही लिख ले कि इसका नोटिस जो है वो हमें किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रार है वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको भी चेंज करता है, बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो एवरी चेंज इज इन द नॉलेज ऑफ द पब्लिक ऑल्सो, सो दैट हूएवर इज डीलिंग विद द कंपनी दे मस्ट हैव द नॉलेज फॉर द सेम। Now, the form of article. The article of a company shall be in respective form specified in table F, G, H, I, N, J and schedule I. तो इसका मतलब क्या है? हर एक कंपनी के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ कंपनीज एक 2013 ने टेबल्स बता रखे हैं F, G, H, I, J, जिसके अकॉर्डिंगली जैसी वो कंपनी है उसको अपना आर्टिकल जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो सपोज अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको टेबल F के अकॉर्डिंगली अपना आर्टिकल
चैप्टर ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाना पड़ेगा, मतलब कि वो मैटर तो उसको लिखने ही लिखने हैं, इसके अलावा जो उसको नेसेसरी लगता है जैसे मैंने अभी ऊपर कहा, तो वो मैटर भी वो उसमें डाल सकता है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज सो फार एज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल। कोई भी कंपनी अगर वो अपना बिजनेस जो है वो कमेंसमेंट के बाद करती है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद करती है, तो मॉडल यानी FGHIJ वो उसको किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकती, यानी उसको वो मैटर्स तो उसमें लिखने ही लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसके लिए जो भी मैनर्स प्रोस्क्राइब किए गए हैं इन द कंपनीज एक्ट, उसको वो मैनर्स फॉलो करके, उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अपना आर्टिकल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नॉट अप्लाई ऑन कंपनी रजिस्टर्ड एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द आर्टिकल ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ अनलेस अमेंडेड अंडर दिस एक्ट। तो अगर कोई कंपनी जो है वो लेटेस्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, तो उससे पिछला जो भी लॉ है उसमें वो किसी भी तरह से उसको मतलब कि उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है अंटिल और अनलेस कि उसमें कोई अमेंडमेंट ना की गई हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू इंक्लूड इवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं इसका ब्रीफ क्रक्स निकालने की कोशिश करूं ऑफ द 9-8 पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको जो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है उसके अकॉर्डिंगली अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई मैटर जो आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस मैटर को आप कैसे अल्टर करोगे, उसको चेंज करने का क्या तरीका होगा, उसमें हम कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, हमें किसकी परमिशन की जरूरत होगी, वो सारी चीजें भी हम किसमें लिखेंगे, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेंगे। So this is the basic content of article of association. Now what are the various table F, table G, table H, table I and table J. So अगर कोई company limited by share है तो उसपे table F लगता है, company limited by guarantee having share capital वो अपना article जो है वो table G की तरह बनाएगी, company limited by guarantee not having share capital उनका article table H के accordingly होगा, company with unlimited liability and having share capital उनका article table I की तरह से होगा, और company with unlimited liability and not having share capital उनका article table J की तरह होगा। Now what is table F, table G, table H, table I and table J, ये tables जो हैं इसमें उन्होंने कंटेंट बताए हुए हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो वो कंटेंट जो है वो उनके आर्टिकल में होने चाहिए एज पर द नेचर ऑफ द कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी हमारे पास कुल मिला के 5 तरह के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकते हैं। नाउ कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एक्सेट्रा इज बी गिवन टू द मेंबर्स। अगर कंपनी का कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी की रिक्वायरमेंट मांगता है, उसको चाहिए, तो सेक्शन 17 कहता है कि विद इन 7 डेज आपको वो पेमेंट करने के दौरान वो कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जो भी आपने उसमें आर्टिकल जो है वहां पर मेंटेन किया हुआ है। एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी रेजोल्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 117 इफ इन सो फार एज दे हैव नॉट बीन इम्बॉडीड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, आपने कोई रेजोल्यूशंस पास करे, आपने कोई उसमें चेंजेस करे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उसके कोई कॉपी डिमांड करता है तो वो कॉपी अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाते हो तो उस केस में हर एक मेंबर को 1,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, जो बढ़ के कहां तक हो सकता है, 1,00,000 रुपए तक का भी हो सकता है। तो इसी तरह से अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक कंपनी के पास मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी होना जरूरी है, और अगर उसमें उन्हें किसी तरह की चेंजेस की है तो वो चेंजेस भी, वो अमेंडमेंट भी उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। Now, the next topic is how the article of association of a company can be altered. हम किस तरह से article of association को change कर सकते हैं? Section 14 of Companies Act 2013 vests companies with the power to alter or add its article. मतलब कि वो company को provide
किसी भी कंपनी को वो पावर प्रोवाइड करता है कि आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जो ऑल्ट्रेशन है वो कैसे की जा सकती है, वो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई भी अगर आपने अपना आर्टिकल चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है जब आपने पास कर लिया, उसमें क्या होता है कि आप मेंबर से जिससे भी वो रिलेटेड है मैटर, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, उन सबकी परमिशन लेते हो और वो एक प्रपोजल जो है वो पास हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई कंपनी जो है वो अपने आप को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहती है, पब्लिक से प्राइवेट पे कन्वर्ट करना चाहती है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इवन अगर कोई कंपनी जो है वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल में इस तरह से चेंजेस कर लेती है कि अब हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। अबाउट व्हाट? अबाउट द ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो उस टाइम से ही वो कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी होना बंद हो जाती है। यानी अगर किसी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चेंज करके लिख दिया कि अब हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वी आर नॉट बाइंडिंग विद द लिमिटेशंस, और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, जैसे ही वो उस भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करते हैं, वो कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, नहीं रहती। However, any such alteration, लेकिन ये सारी जो कन्वर्जन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक, ये तभी पॉसिबल है अगर ट्रिब्यूनल जो है वो हमें इसकी परमिशन दे देता है। जब तक हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने आप को ऐसा करने से कर नहीं सकते। नाउ फाइलिंग द ऑल्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार। जैसे ही आपने कोई भी ऑल्ट्रेशन करी किसी भी इंटरनल मैटर के रिलेटेड या फिर कन्वर्जन से रिलेटेड, तो उसकी एक कॉपी जो है वो आपको किसको भेजनी पड़ेगी, अपने ट्रिब्यूनल को भेजनी पड़ेगी। और जब ट्रिब्यूनल उसकी अप्रूवल दे देता है तो उसकी एक कॉपी जो है वो आप किसको भेजते हो, रजिस्ट्रार को भेजते हो। ये दोनों जो ट्रिब्यूनल, जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, जो आपने ट्रिब्यूनल से परमिशन ली और जो आपने चेंजेस करने हैं, वो सारी कॉपीज जो है आप रजिस्ट्रार को भेजते हो। एंड विद इन पीरियड ऑफ 15 days इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हु शैल रजिस्टर द सेम, और विद इन द 15 days, ताकि वो रजिस्ट्रार के पास चली जाए और वो उसको वैसा ही उसमें चेंजेस कर दे। एनी ऑल्ट्रेशन मेड शेल बी वैलिड। जो भी आप उसमें ऑल्ट्रेशन कर रहे हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो कंपनीज एक 2013 और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपने इंटरनल बेनिफिट के लिए आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो जो भी आपने ऑल्ट्रेशन करी है, दैट मस्ट बी द वैलिड ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन नोटेड इन एवरी कॉपी। जो भी आपने ऑल्ट्रेशन करी है, जो भी आपने उसमें चेंजेस करे हैं, एवरी ऑल्ट्रेशन मेड इन आर्टिकल ऑफ अ कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल एज द केस मे बी। यानी हर एक कॉपी में, इसका मतलब हम ये समझ लें कि जब भी हम कोई चेंज करेंगे, हमें वो पेज या तो अपने पुराने उसमें ऐड करना पड़ेगा जो हमारा पुराना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अदरवाइज हमें नया पब्लिश करना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से कोई भी किसी के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो लोग हैं वो आपसे तभी डील करते हैं उनको पढ़ने के बाद। तो अगर आपने कोई चेंजेस की और आपने वो चीज जो है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कॉपी में नहीं डाली, तो इसका मतलब यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द फुल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स। सो दैट्स व्हाई एवरी ऑल्ट्रेशन मस्ट बी नोटेड डाउन इन ईच एंड एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल। अगर कोई व्यक्ति इस पे डिफॉल्ट करता है, व्यक्ति का मतलब अगर कोई कंपनी जो है वो इस पे डिफॉल्ट करती है, तो उसके ऊपर फाइन जो है वो लगाया जा सकता है एट ₹1,000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल ऑल्ट्रेशन। द आर्टिकल मस्ट बी ऑल्टर्ड ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अब हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल में अगर हमने चेंजेस करने हैं, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही होने चाहिए। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, मैंने अभी ऊपर भी बताया, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि दोनों में बाप और बेटे वाला रिलेशनशिप है। तो अगर फादर की परमिशन नहीं है, तो सन उस काम को नहीं कर सकता। तो फादर कौन है यहाँ पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और सन कौन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर फादर उसको परमिशन नहीं दे रहा, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज नहीं हो सकता। इट मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट।
जो भी कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस हैं ये उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है यू मस्ट हैव टू कंसीडर कि उसकी परमिशन आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दे रहा हो या कंपनीज एक्ट 2013 आपको प्रोवाइड कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का मतलब क्या है कि कुछ चीजों के लिए हमें किसी चीज ने लॉ ने मना किया हुआ है, लाइक फैक्ट्री एक्ट आपको कोई चीज के लिए मना कर देता है तो वो आप नहीं कर सकते। यानी कोई भी लॉ आपको पूरे का पूरा सिस्टम जो है आप आर्टिकल जो है वो तभी चेंज कर सकते हो अगर आप किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं हो। द ऑल्ट्रेशन शेल नॉट बी इलीगल और अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब अगर मैं बोल दूं कि मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल दिया कि हम 3 साल तक किसी को डिविडेंड या बोनस नहीं देंगे तो ये क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। कोई भी शेयर होल्डर जो है वो हमारे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट्स, और हमने अपना आर्टिकल चेंज कर दिया कि हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इलीगल, दिस इज अपोज टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे चेंजेस आप नहीं कर सकते। इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। The alteration must not against in any order of the court. अगर कोर्ट ने आपको कोई काम करने से मना किया है तो आप उस आर्टिकल को चेंज करके वो काम जो है वो भी नहीं कर सकते। The article should not fraud on minority or inflict hardship on minority without corresponding benefit the company as a whole. अब यहाँ पर minority का मतलब क्या है कि कुछ शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ 2 या 3 शेयर्स ही होते हैं, तो हमने उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रखा होता है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि चलो इनकी तो परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसा रूल डाल देते हैं कि हमें आज से इनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नो, यू कैन नॉट डू दिस। आपको माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसा कोई भी रूल और रेगुलेशन पास नहीं कर सकते जिससे माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, अनटिल और अनलेस कि वो जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर पास कर भी रहे हो वो सारी कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ लेवल जहां पर आपको लगता है कि हम इस पार्ट को छोड़ के कंपनी के पूरी भलाई के लिए बात कर रहे हैं वो तो चेंजेस हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी के राइट को दबाकर हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल थ्रू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दैट मीन्स यू कैन नॉट मेक अ चेंजेस इन दैट केस। वेयर द मेजोरिटी होल्डिंग 90% ऑफ द शेयर पास द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ 9/10 ऑफ द इशूड शेयर अ शेयर होल्डर शैल बी बाउंड टू सेल एंड ट्रांसफर हिज शेयर। द ऑल्टरेशन वॉज हेल्ड टू बी इनवैलिड सिंस इट अमाउंट टू द ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि अगर 98% लोग जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि हम जो है अपने शेयर जो है वो बेच देते हैं, और 1/10 हिस्सा जो है वो कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो यहाँ पर आप अल्टरनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा आप किसके राइट को, वो 1/10 जो शेयर होल्डर है आप उनके राइट को दबा रहे हैं। For converting a public company into a private company, the approval of central government is necessary. तो अगर ऊपर जैसे हमने बोला कि हम अपने alteration में article में public से private में convert करने के rules and regulations लिख सकते हैं और private से public में convert होने के rules and regulations को change कर सकते हैं, लेकिन ये तभी possible है अगर आपके पास central government की permission है। It may be regarded as having retrospective effect as long as it does not affect things already done by the company. इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किए हुए चेंजेस तभी वैलिड है अगर वो किस पूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए है, आप उसके बाद यानी आप अपने बेनिफिट के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। अ रिजर्व कैपिटल वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी अनरिजर्व्ड बट मे बी कैंसल और रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। तो जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप अपने कैपिटल जो आपने रिजर्व रखी हुई है आप उसको अनरिजर्व्ड नहीं कर सकते, बट अगर आप बाकी लोगों की परमिशन ले लेते हो तो आप कैपिटल को कैंसिल कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, बट आप रिजर्व्ड कैपिटल को अनरिजर्व्ड कैपिटल जो है वो नहीं कर सकते। तो इसमें उन्होंने ओवरऑल हमें क्या बताया गया है
कि जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किसके बाइंडिंग यानी वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, दैट मस्ट बी इन फेवर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट 2013। अगर उसके अकॉर्डिंगली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर आपको चेंज करना चाहते हो और वो हमें परमिशन देते हैं, तभी हम अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, उससे किसी के भी पर्सनल व्यक्ति के राइट्स इफेक्ट्स ना होते हो, यानी जो माइनर शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर या क्रेडिटर्स जो है उनके ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट ना पड़ता हो। जो भी ऑल्ट्रेशन की गई है वो सारी की सारी ऑल्ट्रेशन जो है वो कंपनी के बेनिफिट्स के लिए, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए ही होनी चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट या इलीगल नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें आज हमने डिस्कस किया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, विच इज द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और अगर हम प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, और जो भी ऑल्ट्रेशन अगर आप मिस करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, दैट ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बाइड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस तरह से लोगों को अपने साथ बाइंड करता है, यानी क्या क्या बाइंडिंग्स है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा जाता है, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टिल देन, बाय बाय।